नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत की पहली महिला चिकित्सक रुकमाबाई राउत का जन्म 1864 में आज के दिन मुंबई में हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत में जब महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर भी जागरूक नहीं थी, तब उन्होंने डॉक्टरी के पेशे में प्रवेश कर एक मिसाल कायम की। 1894 में वह भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। वह एक ऐतिहासिक कानूनी मसले के केंद्र में भी रही, जिसके परिणाम स्वरूप आज एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 कानूनी यानी दो वयस्कों के बीच शादी करने की वैधानिक उम्र तय की गई। गूगल ने उनके सम्मान भी 22 नवंबर 2017 को निम्न डूडल बनाया था। रुकमाबाई की माँ का नाम जयंतीबाई था। 15 साल की उम्र में रुकमाबाई का जन्म हुआ। 17 साल की उम्र में जयंतीबाई विधवा हो गई, जिसके बाद उन्होंने सखाराम अर्जुन से दूसरी शादी की, जो मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर और समाज सुधारक थे। रुकमाबाई की शिक्षा में उनके पिता का काफी योगदान रहा। 19 मार्च 1891 में ब्रिटिश भारत में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 कानून बनाया गया, जिसमें शारीरिक संबंधों के लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिलाओं की सहमति की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई थी। 1889 में रुकमाबाई लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में अध्ययन करने इंग्लैंड गई। शिक्षा पूरी होने के बाद 1894 में वह वापस भारत लौटी और सूरत में बतौर चीफ मेडिकल अधिकारी पदभार संभाला। उन्होंने डॉक्टर के पेशे में तकरीबन 35 साल बिताए और जीवन के अंतिम समय में समाज सुधारक के तौर पर काम करती रही। 25 सितंबर 1955 में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। स्त्री जिसके हौसले और बहादुरी को इतिहास के दस्तावेजों में जगह नहीं मिली, आम लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी। किस्से, कहानियों, उपन्यासों, कविताओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। सालों बाद उसकी कहानियां दबे कुचले हशिये के समाज के लोगों की प्रेरणा बनी। तभी तो वो घोड़े पर सवार उनकी मूर्तियां आज कई शहरों में दिख जाती है। वही झलकारी बाई है। आज ही के दिन 1830 में उनका जन्म हुआ था। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भूलना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की एक और बेटी थी, जिसके सर पर न रानी का ताज था न ही सत्ता, पर फिर भी अपने मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया, बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास पूजेला गाँव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसी सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी बहादुरी की चर्चे भी बचपन से ही होने लगी थी। विवेकी राय हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी। उनकी रचनाएं गवई, मन और मिजाज से संप्रुप्त है। विवेकी राय का रचना कर्म नगरीय जीवन के ताप से तपई हुई मौन भूमि पर ग्रामीण जीवन के प्रति सहज राग की रस वर्षा के समान है, जिससे भीग कर उनके द्वारा रचा गया परिवेश गवई गंध की स्नोही में डूब जाता है। गांव की माटी की सेंधी महक उनकी खास पहचान है। आज के दिन उनका निधन हुआ था। विवेकी राय का जन्म 19 नवंबर 1924 को अपने ननिहाल भरौली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे मूल रूप से मोहम्मदाबाद तहसील के सोनवानी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम शिवपाल राय तथा उनकी माता का नाम जविता देवी था। विवेकी राय के जन्म से 1.5 माह पहले पिता शिवपाल राय का प्लेग की महामारी से निधन हो गया था। विवेकी राय का साहित्यिक सफर मिडिल स्कूल की पढ़ाई के वक्त से ही शुरू हो गया था, लेकिन लेखन का प्रामाणिक शुरुआत 1945 से माना जाता है। 1947 से 1970 तक उसी समाचार पत्र में उन्होंने नियमित स्तंभ मनोबोध मास्टर की डायरी लिखी थी। उसमें ललित निबंध, रेखा चित्र और रिपोर्टार्च समाहित रहते थे। फिर तो विवेकी राय लेखन में प्रतिष्ठापित हो गए। तब की हिंदी की चोटी की पत्रिकाएं धर्मयुग, कल्पना, ध्यानोदय, कहानी, साप्ताहिक हिंदुस्तान,
सारिका, नवनीत और कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं नियमित प्रकाशित होती रहती थी। समीक्षा और प्रकर में विवेकी राय की रचनाओं की समीक्षाएं आती थी। रविवार में उनका स्तंभ गांव काफी लोकप्रिय हुआ। ज्योत्सना, शिखर वार्ता तथा जनसत्ता में भी डॉक्टर राय के स्तंभ आते थे। ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जैसे महान रचनाकार के समक्ष उन्हें मान मिला था। वर्ष 2004 तक उनके लेखन पर देश के जाने माने विश्वविद्यालयों में कुल 61 शोध कार्य हो चुके थे। डॉक्टर राय आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी जुड़े थे। डॉक्टर विवेकी राय ने 5 भोजपुरी ग्रंथों का संपादन भी किया था। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।